एंड वेलकम अगेन टू ऑटो लाइव। और आज मेरे साथ है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स इन द इंडिया मार्केट, द यामाहा R3। मैं इस मोटरसाइकिल को पिछले कुछ दिनों से चला रहा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 प्रोस और 2 कॉन्स, 3 चीज़ें जो मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छी लगी, 2 चीज़ें जिन पर काम किया जा सकता है। तो चलिए हमें अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रो है इस मोटरसाइकिल के लुक्स। दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी अग्रेसिव, वेरी बल्की। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, 17-inch के व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। आपको यहाँ पे पेंट स्कीम के अंदर ही इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं, विच लुक्स रियली स्पोर्टी। फ्रंट और रियर में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। एक आपको काफ़ी वेल स्कल्प्टेड इधर एक 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। साइड में आपको अच्छी खासी बड़ी प्लास्टिक फेयरिंग मिलती है। इधर आपको ट्विन सीट्स मिलती हैं, LED साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं, एग्रेसिव लुकिंग रियर एंड मिलता है, यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, इधर आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और वाइड साइड मिरर्स मिलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स दिस मोटरसाइकिल लुक्स रियली कूल, रियली स्पोर्टी। मूव करें हम अपने दूसरे प्रो की तरफ, तो वो है इस मोटरसाइकिल का इंजन और परफॉर्मेंस। यामाहा की R3 पार लेती है एक 321cc के ट्विन सिलेंडर इंजन से। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस मोटरसाइकिल इज रियली फन। यहाँ पे अगर मैं इसके पार फिगर्स की बात कर लूँ तो ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है 42 PS का पार और 29.5 Nm का टॉर्क। इधर आपको वेल ट्यून्ड 6-speed गियरबॉक्स मिलता है। इट ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू आउट द रेव रेंज। आपको यहाँ पे इनिशियल एंड से टॉप एंड तक अच्छी खासी पार मिलेगी। मेन जूस आपको मिलेगा 7000 RPM से लेके 9000 RPM के बीच में। एंड यू विल हैव रियल फन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड एज वेल एज ऑन ट्रैक्स। हमारा थर्ड प्रो है इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स। इधर आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। एंड दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स अमेजिंग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। लाइक इतनी पावरफुल मशीन के लिए दीज ब्रेक्स आर ट्यून्ड ऑन पॉइंट। बहुत अच्छा इसका ब्रेकिंग कैलिब्रेशन है, ऑन पॉइंट इस मोटरसाइकिल को स्टॉप करता है अंडर हार्ड ब्रेकिंग। और इसका जो ABS का किक इन टाइम है वो भी एकदम ऑन पॉइंट है। तो ओवरऑल इस मोटरसाइकिल का ब्रेकिंग सिस्टम आज बहुत अच्छे से अलाइन करता है इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस के साथ। पहला कौन है द फीचर्स ऑन ऑफर स्पेशली द राइडिंग एड्स। मुझे लगता है दिस इज अ राइडर्स मोटरसाइकिल, तो इसके अंदर आपको राइडिंग एड्स भी और ज्यादा मिलने चाहिए थे, वो मैं बता देता हूं। पहली चीज, इधर आपको ब्रेक और क्लच के लिए एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए थी जिससे आप अपनी कन्वीनियंस से इसे एडजस्ट कर लो। सेकेंडली, इसके अंदर आपको मिलना चाहिए था ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि आपको इसमें ऑफर नहीं किया जाता। और साथ ही साथ इधर आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच मिलना चाहिए था जिससे अगर आप ट्रैक पे जाओ तो आप बिना क्लच यूज़ करें इसका जो गियर्स हैं उन्हें अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट कर सको। तो इन फीचर्स को ज़रूर ऐड करा जा सकता है। तो हमारा दूसरा कौन है इस मोटरसाइकिल का प्राइस। ये मोटरसाइकिल एक कंप्लीट बिल्ड यूनिट है, ये बाहर से बन के आती है, इंडिया में बेची जाती है, इसलिए इसका प्राइस टैग थोड़ा सा हैवी है। 4.64 लाख एक्स शोरूम दिल्ली इसका प्राइस है। ऑन रोड लगभग आपको 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी और 5.5 लाख रुपए फॉर अ 300cc मोटरसाइकिल इज लिटल एक्सपेंसिव। तो इसको एज अ CKD यूनिट करके, इसमें और फीचर एडिशन करके इसके प्राइस को कम करा जा सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे यूजर्स के लिए ये चीज़ डीमोटिवेटिंग है। बट आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।